तो फ्रेंड्स आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है लेट एटींथ एंड अर्ली नाइनटीन सेंचुरी पोइट एस टी कोलरिज की बायोग्राफी और इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स एस टी कोलरिज को सेम्योल टेलर कोलरिज के नाम से भी जाना जाता है काफ़ी सिंपल और छोटी सी बायोग्राफी है फिर भी इसे और ज्यादा सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो ई वॉज बोर्न ट्वेंटी फर्स्ट अक्टूबर सेवनटीन सेवेंटी टू डे वन ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड कोलरिज का जन्म ट्वेंटी फर्स्ट अक्टूबर 1772 को डेवन ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड में हुआ था ही वॉज डाइड ट्वेंटी फिफ्थ जुलाई एटीन थर्टी फोर एज सिक्स किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड और ट्वेंटी फिफ्थ जुलाई एटीन थर्टी फोर को सिक्सटी वन की एज में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड में इनकी डेथ हो गई ही वॉज एन इंग्लिश पोइट लिटरेरी क्रिटिक फिलोसोफर एंड थियोलॉजियन फिलोसोफर यानी होता है दार्शनिक और थियोलॉजियन यानी होता है धर्मशास्त्री ये एक इंग्लिश पोइट लिटरेरी क्रिटिक दार्शनिक और एक धर्मशास्त्री भी थे कोलरिज विद हीज फ्रेंड विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज द फाउंडर ऑफ रोमांटिक पोइट इन इंग्लैंड एंड मैंबर ऑफ द लेक पोइट्स कोलरिज अपने फ्रेंड विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ इंग्लैंड में रोमांटिक मूवमेंट के फाउंडर थे और लेक पोइट्स के मेम्बर में ये भी एक थे फैमिली फादर जॉन कोलरिज अ वेल रिस्पेक्टेड प्रिस्ट ऑफ चर्च एंड हेड मास्टर ऑफ द किंग्स स्कूल बात करें इनकी फैमिली की तो इनके फादर थे जॉन कोलरिज जो कि एक चर्च के फेमस रिस्पेक्टेड पादरी थे और किंग्स स्कूल के हेड मास्टर थे मदर एन बोर्डन सेकेंड वाइफ एन हैड टेन चिल्ड्रन कोलरिज वॉज यंगेस्ट स्पाउस फ्रीकर। इनकी मदर एन बोर्डन थी जो कि इनके फादर की सेकेंड वाइफ थी और इनके दस बच्चे थे जिनमें पोइट यानी कि एस टी कोलरिज सबसे छोटे थे और इनकी स्पाउस यानी कि वाइफ थी सारा फ्रीकर आफ्टर हीज़ फादर्स डेथ ही वॉज सेंट टू क्रिस्टो हॉस्पिटल चैरिटी स्कूल लंदन कोलरिज को अपने फादर की डेथ के, के बाद क्रिस्ट हॉस्पिटल में भेज दिया गया जो कि लंदन में एक चैरिटी स्कूल था एट दैट स्कूल कोलरिज मेट चार्ल्स लेम एंड बिकेम फ्रेंड्स दे स्टडीड द वर्क्स ऑफ वर्जिल एंड विलियम लिसल बोलेस और इसी स्कूल में ये चार्ल्स लेम से मिले और फ्रेंड्स बन गए और इन्होंने वर्जिल और विलियम लिसल बोलेस के वर्क्स को भी पढ़ा ही वॉज़ फिज़िकली अनहेल्दी एंड सफर्ड from anxiety एंड डिप्रेशन bipolar disorder, ह्यूमेटिक फीवर एंड अदर childhood illness. Bipolar disorder एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान या तो बहुत ज़्यादा खुश होना स्टार्ट कर देता है या बहुत ज़्यादा दुखी होना स्टार्ट कर देता है बात करें इनकी हेल्थ की तो ये फ़िज़िकली अनहेल्दी थे और कई बीमारियों से पीड़ित थे जैसे कि एनजायटी डिप्रेशन बायोपोलर डिसऑर्डर इसके अलावा ह्यूमेटिक फ़ीवर और अदर बचपन की बीमारियाँ भी थी इन्हें He wrote of his loneliness at school in The Frost at Midnight. इन्होंने अपने अकेलेपन को Frost at Midnight में अपने स्कूल में लिखा था. From 1791 to 1794 he attended Jesus College, Cambridge. इन्होंने 1791 से 1794 तक Jesus College को attend किया जो कि Cambridge में है. In 1792 he won the Browne Gold Medal for an ode that he wrote attacking the slave trade. 1792 में इन्होंने एक ओड के लिए ब्राउन ब्राउने गोल्ड मेडल जीता जिसे इन्होंने स्लेव ट्रेड पर अटैक करते हुए लिखा था ही आल्सो शेयर्ड वॉल्यूम्स एंड कोलाबोरेटेड विद चार्ल्स लेम रॉबर्ट शाउदी एंड चार्ल्स लोयड इन्होंने अपने वॉल्यूम्स को चार्ल्स लेम रॉबर्ट शाउदी और चार्ल्स लोयड के साथ शेयर किया और कोलाबोरेट किया ही रोड द पोएम्स द राइम ऑफ द एनशियंट मेरिनर एंड कुबला खान एज वेल एज द मेजर प्रोज वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया इन्होंने दो फेमस पोएम्स लिखी फर्स्ट है द राइम ऑफ द एनशियट मेरीनर और सेकंड है कुबला खान इसके साथ ही इनका मेजर प्रोज वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया हीज़ क्रिटिकल वर्क स्पेशली ऑन विलियम शेक्सपियर वॉज़ हाईली इंफ्लुसनल एंड ही हेल्प इंट्रोड्यूस जर्मन आइडलिस्ट फिलोसफी टू इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर इनका विलियम शेक्सपियर पर लिखा गया क्रिटिकल वर्क काफ़ी इन्फ्लूशनल है और इन्होंने जर्मन आदर्शवादी फिलोसफी को इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर से इंट्रोड्यूस करवाने में हेल्प की कोलरिज कोइंड मैनी फेमिलियर वर्ड्स एंड फ्रेजेज इंक्लूडिंग सस्पेंसन ऑफ डिसबिलीफ कोलरिज ने कई फेमिलियर वर्ड्स और फ्रेजेज को बनाया जिनमें सस्पेंसन ऑफ डिसबिलीफ भी शामिल है ही हैड अ मेजर इन्फ्लुंस ऑन राल्फ वेल्डो एमरसन एंड अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म राल्फ वेल्डो एमरसन और अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म इनके मेजर इन्फ्लुएंस वाले वर्क्स हैं विद रॉबर्ट साउदी ही कोलाबोरेटेड ऑन द प्ले द फॉल ऑफ रॉब स्पायर रॉबर्ट साउदी के साथ इन्होंने द फॉल ऑफ रॉब स्पायर प्ले को भी कोलाबोरेट किया इसे ध्यान रखना कि कॉलेज ने रॉबर्ट साउदी के साथ कौन सा प्ले कोलाबोरेट किया था काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से भी पूछे जाते हैं तो ये तो हो गए एस टी कोलडेज की कंप्लीट बायोग्राफी और अब देखते हैं इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को इंपॉर्टेंट वर्क्स में इनकी कन्वर्सेशन पोएम्स हैं फ्रस्ट एट मिड 1798 सेवनटीन ये वही पोएम है जिसमें कॉलरेज ने अपने अकेलेपन को लिखा था फियर इन सोलट्यूड सेवनटीन द नाइट एंगल अ कन्वर्सेशन पोएम 1798 द एलोयन हार्प 1795 नाइनटी फाइव डिजक्शन एन ओड 1802 जीरो टू क्रिस्टा बेल खान मेट्रिकल फिट द रम ऑफ द एनशियन मेरिनर रिफ्लेक्शंस ऑन हैविंग लेफ्ट अ प्लेस ऑफ रिटायरमेंट 1795 नाइनटी फाइव टू विलियम वर्ड्स वर्थ दिस लाइम ट्री बावर माई प्रीजन सेवनटीन नाइन्टी सेवन ये सभी इनकी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन पोएम्स हैं टाइम मिले तो इन्हें एक बार जरूर पढ़ना इनके कलेक्टेड वर्क्स हैं लेक्चर सेवनटीन नाइन्टी फाइव ऑन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन नाइनटीन सेवनटी वन दॉच मैन नाइनटीन सेवनटी द फ्रेंड नाइनटीन सिक्सटी नाइन बायोग्राफिया लिटरेरिया नाइनटीन एटी थ्री ऑन द कंस्टिट्यूशन ऑफ़ द चर्च एंड स्टेट 1976 ये सभी इनके इंपॉर्टेंट कलेक्टेड वर्क्स हैं और अब बात करें इनकी बेस्ट बुक्स की तो उनमें फर्स्ट है लिरिकल बेल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैम्यूएल टेलर कोलरिज और सेकेंड है द रैम ऑफ द एनशेंट मेरिनर बाय सेम्यूएल टेलर कोलरिज एंड गोडोर और थर्ड है द कम्प्लीट पोएम्स ऑफ सैम्यूएल टेलर कोलरिज फोर्थ है कोलरिज्स नोटबुक अ सेलेक्शन और लास्ट एंड फिफ्थ है बायोग्राफी या लिटरेरिया तो ये थी एस टी कॉलेज की कंप्लीट बायोग्राफी और उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू हैव अ गुड डे बाय